एवरीवन, दिस मी तौसिया अनहा। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ब्यूटिफिकेशन बाय अनहा। यहाँ दरगाह की ज्यारत के बाद हम लोग यहाँ से बाहर निकले और अपना लंच किया, और उसके बाद फिर हम लोगों ने गाड़ी वगैरह बुक करी पुष्कर जाने के लिए। तो आज का सफ़र होने वाला है हमारा पुष्कर का। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं है। सो गाइज, ये है मेरा अजमेर व्लॉग पार्ट 3। जिसने अभी तक मेरे अजमेर के पार्ट 1 और पार्ट 2 व्लॉग नहीं देखे हैं, वो फटाफट से जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, जिसमें हमारा जर्नी व्लॉग है और अजमेर शरीफ दरगाह की ज़ियारत का व्लॉग है। तो ये पार्ट 3 है जिसमें हम लोग जा रहे हैं आज पुष्कर। पुष्कर के लिए हमने अजमेर से जस्ट सामने ही, जैसे आप निकलेंगे वहीं से आपको गाड़ी के मिल जाएगी, बहुत सारी गाड़ी बुक होती है पुष्कर के लिए, तारागढ़ के लिए। तो हम तारागढ़ भी जाएंगे, वो हमारे नेक्स्ट व्लॉग में आपको मिलेगा। और उसके बाद अभी हम जा रहे हैं पुष्कर, आना सागर, जितनी भी चीज़ें यहाँ पे रास्ते में पड़ेंगी आज हम उन सब चीज़ों को कवर कर लेंगे। तो यहाँ का जैसे कि देख सकते हैं ये व्यू बहुत प्यारा है, पहाड़ों के रास्ते हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ के में रास्ते में जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, और हम जहाँ जा रहे हैं वो थोड़ा पहाड़ पे ऊपर ऊंचाई पे है, तो अजमेर की जितनी भी चीज़ें हैं नीचे सारा कुछ नीचे दिख रहा है और ऊपर से इसकी खूबसूरती बहुत ही अच्छी लग रही है। और यहाँ के रास्ते भी बहुत ही औसम थे। और उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं गर्मी बहुत ज़्यादा है, यहाँ का वेदर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से हम लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। सफ़र में तो पता नहीं चला, लेकिन पुष्कर में पहुंचकर हम वहाँ पर बिल्कुल भी रुक नहीं पाए गर्मी की वजह से। रेगिस्तान की रेत बहुत ज़्यादा गर्म थी, लेकिन जब हम निकल गए हैं तो इसी गर्मी में ही हमें पूरा विजिट तो करना ही है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके हमारे सफ़र में जुड़ जाइए। गाइस, जिस गाड़ी में हम लोग अजमेर से पुष्कर तक आए थे उसका सफ़र सिर्फ यहीं तक है, वो हमें वापसी ले जाने के लिए होगी। लेकिन आगे घूमने के लिए हम लोगों को यहाँ से दूसरी राइड करनी होगी, वो कैमल राइड भी हो सकती है और जिप्सी राइड भी हो सकती है। हमारी फैमिली साथ में थी तो हमने जिप्सी राइड चूज़ करी। राइड कितने रुपए में बुक होगी, वो हमें कहाँ कहाँ घुमाएगी और उस जगह की क्या क्या खासियत है, ये सारा कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, और उसके बाद हम अपनी राइड को चूज कर सकते हैं। देखिए सर, पहले तो पुष्कर में आपका स्वागत है। ये हमारा रॉयल फैमिली ड्रेस है जो आपको रेंट पे मिलेगा। 200-300 इनका चार्ज है, लेडीज को लेडीज का करता है। अंदर आपको डेजर्ट बाइक मिलेगी और साइडिंग मिलेगी, वो आपको पर्सनल करता है। कुछ शूटिंग पॉइंट है दिया और बाकी शूटिंग है तो बजरंगी बाजार जो मुंडी को रेगिस्तान लेके, तो वो आपको बताएंगे। बंजार बस्ती जहाँ पर गरीब का दशा अजमेर से पहले वहाँ पर नमाज देता है, वो आपको बताएंगे। पहाड़ी इलाका मगना पाले के गाने का शूट हो रखा है। ठाकुर दुलदन सिंह की हवेली और राणा जी मुझे माफ करना टेंट वाले लोगों से। ये जितनी साइड सीन सर आपको कैमल पे और जिप पे बैठे बैठे करना। तीन तरह की राइड होती है। सिंगल कैमल मिलेगा जिसमें सिर्फ दो मेंबर बैठेगा, जिसका चार्ज हुआ 2600। एक कैमल टू बगी रहेगी रथ की तरह होती है जिसमें 4 से 5। अगर फिर थोड़ा यार तमीज से यार, भाई पेट के निजाम थोड़े ढीले हैं हमारे। नाप न ले, ऊपर नीचे हो गए, तेरी तो एक दिन की, हमारी 5 दिन की ट्रिप की ऐसी तैसी हो जाएगी। और फिर 5 दिन तो यहाँ से जो कमाएंगे वो महीने भर का वो और चला जाएगा। तेरा आगे तो मूठी चलता रहा ना भाई, जब ही सही है तो अरे तो मूठ में आ जाते ए खुदाई, ठंडा सा लगा झूले में आ झूले मामा वो करेंगे पैराग्लाइडिंग। नहीं वो वही तो है, वो जो मंदिर में जाने वाला बता रहा है। चल अपने हिसाब से चला ले यार भाई, है ना। ये लगो तीन। अरे यहाँ पे आप इसी की मजा लेने आए हैं। फूट अबड़ खाबड़ का पेट में कुछ गड़बड़ होगी ना, दर्द की है आवे। वो ऐसा लग रहा है जैसे हम झूले में बैठे हैं। मामा 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 यहाँ तक पहुँचने का रास्ता इतना ज़्यादा एडवेंचरस था कि हम बिल्कुल ऑफ रोडिंग का मज़ा लेते लेते हम लोग यहाँ तक फाइनली पहुँच गए हैं। और यहाँ पर इनका एक फर्स्ट पॉइंट है जहाँ पे हमें रुकना है, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग ड्रेस लेके भी चेंज कर सकते हैं।
और उसके बाद फोटोशूट वगैरह करा सकते हैं। यहाँ पे राइडिंग भी कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप की बाइक्स हैं, कैमल के साथ भी फोटो वगैरह ले सकते हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी होने के वजह से हमने यहाँ पे कोई भी ऐसा टास्क नहीं किया है, ना हमने कैमल राइड किया है, ना हमने कोई बाइक राइड किया है, ना ही हमने कोई ड्रेस लेके चेंज किया है। इतनी ज़्यादा गर्मी में हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम रुके भी नहीं हैं, तो 5-10 मिनट ही हम लोग मुश्किल से रुके हैं। 2-4 फोटो लेकर हम लोगों ने अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुँचे हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल था इतनी गर्मी में यहाँ पर रुकना। हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा, पता नहीं कैसे ये लोग यहाँ पर इतनी गर्मी में यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है। अरे ये वाला भाई ना, वो दूसरा वाला। अरे अभी चलो, अभी कह रहा था शाम में, रात में भी कर लेते जब भी कुछ ना होता। इन्हें का सब अपना आप रहेगा भाई, कमीशन इस चीज में बचेगा। मैं खड़ा हो जाऊं, खड़ा शाम में लोग ज्यादा आते होंगे। अब आया मेरे को ना, आएगा इतनी धूप में मेरा। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दूर दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ रेती रेत है, पहाड़ी पहाड़ है और कुछ भी यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है देखने का। लेकिन इसको यहाँ के लोगों ने टूरिस्ट प्लेस इसलिए बना दिया गया है क्योंकि यहाँ पे कुछ सीरियल और मूवीज की शूटिंग हो चुकी है, जैसे कि करण अर्जुन, बजरंगी भाईजान, दिया बाती, जैसे अभी शुरू में भैया ने वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो अब हम आ गए हैं यहाँ पे हवेली पे। गाइस हम आ गए हैं ठाकुर की हवेली पे, ठाकुर की हवेली पे। वो बंदे वहाँ पे क्या कर रहे हैं? और हमारी ये थार राइडिंग जो है वो बिल्कुल थार ये जिप्सी है। अच्छा, हमारी जिप्सी राइडिंग जो है वो बिल्कुल एडवेंचर राइडिंग बन चुकी है। भाई रुकिए एक मिनट, सो यहाँ पर ये हवेली जो है वो करण अर्जुन मूवी में दिखाई गई है, इसलिए बस यहाँ पे ये फेमस है और इस टूरिस्ट प्लेस की तरह से लोग इसे बस देखने आते हैं। इसके अंदर जाना अलाउ नहीं है, इसके पास तक जाना अलाउ नहीं है, जैसा हमें बताया गया वहाँ पर। हम दूर से ही इसे सिर्फ देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ झेल लेंगे, पर जब चलेगी ना So guys, इतनी गर्मी में यहाँ पे बिल्कुल भी घूमने लायक हमें चीज लगी नहीं और हम लोग ने बिल्कुल भी बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से हम लोगों ने रिटर्न कर लिया है। और अब हम लोग जा रहे हैं वापस से नीचे, जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी हुई है जो अजमेर से हम बुक करके लेकर आए थे। तो यहाँ से अब जो भी रास्ते में पड़ेगा हम बस एक जगह और रुकेंगे, वहाँ पे कुछ महाराणा प्रताप की मूर्ति लगी हुई है, तो वहाँ पर अब हम लोग जाएंगे क्योंकि वो रास्ते में ही है रिटर्न के। तो वहाँ पे हम लोग बस थोड़ा सा फ़ोटोशूट वगैरह करके घूम कर, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट वगैरह भी है, तो बस वहाँ पर घूम कर हम लोग निकल जाएंगे नीचे। ये जगह थोड़ी सी हमें पसंद आई और इसलिए हमने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया यहाँ पर और थोड़ा एंजॉय किया। हमने खूब सारे फ़ोटो लिए, खूब सारी रील्स बनाई और थोड़ा सा स्टे किया, क्योंकि हम जब से आए हैं पुष्कर में अभी तक हम कहीं पे भी 5 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल रुके नहीं हैं, रुके हैं फटाफट चलते हैं, सिर्फ गाड़ी गाड़ी में ही सफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा रुक गए हैं, स्टॉप ले लिया है, क्योंकि यहाँ की लोकेशन काफ़ी अच्छी थी। वीडियो बन रही है,
वो देखो दीदी आ रही है अपनी धुन में। यहाँ से निकल के हम सीधा पहुंच गए आना सागर। ये भी एक घूमने की जगह है, यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ होती हैं और मछलियों को खाना खिलाया जाता है। तो हमने यहाँ पे भी स्टे लिया और गर्मी इतनी ज़्यादा थी तो प्यास भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो हमने थोड़ा ठंडा वगैरह पिया, फ्रूटी पी, और यहाँ पे भी जो इन्जॉय करना था, जो व्यू था, हमने उसको इन्जॉय किया। लेकिन इतनी गर्मी में यहाँ पे मैं कभी भी बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगी आने को। अगर आप लोग घूमने का प्लान बना रहे हैं राजस्थान, जयपुर, पुष्कर, अजमेर, तो प्लीज़ थोड़ा सा विंटर का वेट करिए और उसके बाद ही यहाँ आइएगा। यहाँ से फ्री होके हम निकलेंगे सीधा तारागढ़ की चढ़ाई पर, वहाँ की दरगाह पे हम विज़िट करेंगे और ज़ियारत करेंगे। तो उसका व्लॉग देखने के लिए आप अभी पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि वो व्लॉग आपको मेरा नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा, अजमेर व्लॉग पार्ट 4। तो वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये था मेरा आज का व्लॉग, तो वीडियो को यहीं करते हैं रैप। आई होप कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा मेरा ये सफ़र। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये सफ़र अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना प्यार ज़रूर दिखाइएगा और इसी तरह से मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।